लगते हैं, जब हम कहते हैं तो कैंसर खत्म हो जाता है, जब हम कहते हैं तो गायनी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जब हम कहते हैं तो कमर दर्द स्पाइन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आपने पहाड़ से बोलना है। नाउ लेट्स गो टू मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, मत्ती 18 बाब उसकी 18वीं आयत। व्हाट इज रिटन ओवर देयर? खुदावन ने एक जबरदस्त मुझे और आपको कहने के लिए फेथ बूस्टिंग वर्स। खुदावन ने कहा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, व्हाटसोएवर यू विल बाइंड इन अर्थ ऑन अर्थ दैट विल बी बाउंड इन हेवन। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। ये किसके लिए लिखा है? बोले मेरे लिए है। बोले ये मेरे लिए है। मुझे बोलने का, बांधने का भी इख्तियार है और मुझे खोलने का भी इख्तियार है। कब? जब आप बोलेंगे। जब आप कहेंगे तो आसमान बंद हो जाएगा, जब आप कहेंगे तो आसमान खुल जाएगा। कहां ले गया ठाके? यकूब 5 बाब उसकी 13 से 18। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। जेम्स 5:13-18। और उसने दुआ की तो 3.5 बरस तक बारिश ना हुई। तो ये इख्तियार मसीहों के पास है, ये इस्तेहकाक मसीहों के पास है। जब हम बोलते हैं तो कुछ होने लगता है। मैंने और आपने अपने अपने पहाड़ से बोलना है। जब हम बोलते हैं तो वो पहाड़ हट जाता है। व्हाट इज द की टू रिमूव द माउंटेन? बोलिए, अभी मैंने बता दिया है, अगर आपने गौर से सुना है। व्हाट इज की टू रिमूव द माउंटेन? नंबर वन टू से एंड नंबर टू फेथ, नंबर थ्री नो डाउट इन हार्ट। नो डाउट इन हार्ट आई हैव शेड। आई हैव शेड, क्या मैंने शेयर किया? आपको बताया कि हम किस तरह से माउंटेन मूविंग फेथ। आई हैव शेयर्ड विद यू माउंटेन मूविंग फेथ हैज 3 की। समझ में आई कि हम किस तरह हमारा ईमान पहाड़ों को हटा देने वाला हो। माउंटेन मूविंग फेथ, जब हमारे अंदर ये फेथ आएगा, और उस वक्त जब ये मैंने इस की बता दी है कि आप इस ईमान को कैसे, इस की को कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो मैंने 3 बातें आपसे बताई, आपसे शेयर की। जब आपके अंदर ये 3 कीज आ जाएंगी तो आपके अंदर माउंटेन मूविंग फेथ होगा। हालेलुया। आप जहां जाएंगे आप मोजात लेके जाएंगे, आप जहां जाएंगे आपके वसीला से फोकल फितरत काम होंगे। अबलीस हमें बोलने नहीं देता, वो हमें डराता रहता है। आज खुदावंद एक अनमोल मैसेज मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि मैंने और आपने अपने पहाड़ से बोलना है। मैंने पिछले दिनों एक टेस्टमनी आप लोगों के साथ शेयर की थी। बलूचिस्तान से एक खातून का टेलीफोन मुझे आया कि भाई मैंने ये आपकी बुक पढ़ी है और ये मजमून स्पीक टू योर माउंटेन आई हैव रेड।
और जब मैंने इस मज़मून को पढ़ा तो मेरे अंदर कुछ होने लगा। मैंने अपने पहाड़ से बोलना शुरू किया और मैंने देखा कि जब मैंने अपने पहाड़ से अपनी बीमारी से कह रही हूं तो मैं अपने जिस्म के अंदर फौकल फितरत पावर को महसूस करने लगी और देखते देखते वो पहाड़ क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज जीसस। जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी उनकी मुस्लिम डॉक्टरों ने पूछा, उस बहन का नाम मेरे जहन से निकल गया है, कि ये आपको कैसे शफा मिली। तो उसने कहा मैं अपने पहाड़ से बोलना शुरू किया था, मेरे पास एक खुदा के खादम की बुक है जो ब्रदर वेंजलिस जावेद गिल ने लिखी है, वो पढ़ी। उसने कहा मुस्लिम डॉक्टर ने कि वो हमें भी ला के दिखाई, हम भी पढ़ना चाहते हैं। और इस तरीके के साथ खुदा का कलाम जहां आप नहीं जाते खुदा की आवाज वहां तक पहुंचती है। आज कितने लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कितनी कितनी बड़ी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और खुदावंद खुदा आज चाहता है कि मैं और आप अपने पहाड़ से बोलें। तो मैंने आपसे शेयर किया कि आपका पहाड़ हो सकता है कि माली मुश्किलात हैं, घर में कर्जा है, कर्जे के नीचे शायद आप दबे हुए हैं, शायद कोई ऐसी बीमारी है, बीमारी हो सकती है, टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, और घर में डिवीजन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आप ये सारी बातें आप इस वक्त, मैं चाहूंगा कि मैं और आप अपने पहाड़ से हम कहें और बोलें, नाम लेके बोलें। यू स्पिरिट ऑफ कैंसर, एड्रेस योर कैंसर, कमांड योर सिकनेस, कमांड योर डेब्ट, कमांड योर फाइनेंशियल लैकिंग। अभी इसी वक्त कहें, ये एलिमेंट हमारा हुक्म मानते हैं, खुदा के खादमों का हुक्म मानते हैं, आपका भी हुक्म मानते हैं। जो कुछ खुदा ने मूसा के वसीला से किया, जो कुछ खुदा ने यशुआ के वसीला से किया, जो कुछ खुदा ने एलिया के वसीला से किया, वो आपके लिए भी मुमकिन है। क्योंकि कलाम कहता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। आप मौत के आगे खड़े हो जाएं और बोलें, यू स्पिरिट ऑफ डेथ, आई रिब्यूक एंड कमांड योर माइटी नेम ऑफ जीसस, लीव दिस बॉडी राइट नाउ। मेरी जिंदगी में दो बड़े मौजदे हुए और नेट पे भी आपको गवाहियां मिलेंगी, जिन्होंने डॉक्टरों ने कह दिया ये इज नो मोर, ये इज फिनिश। मैं उस मौत के सामने जाके खड़ा हुआ और मौत को हुक्म दिया, और वो बच्चा 11-12 साल का था, वो जिंदा हो गया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जीबी सिंड्रोम, और बहुत मुश्किल उसका इलाज, एक पास्टर सलीम दाऊद का बेटा मैथ्यू, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसकी वालदा की गवाही आप नेट पे सुने। और इसी तरह से मैं पहाड़गंज जा रहा था और एक बच्चा 10-12 साल का मेरे स्कूटर से बुरी तरह से टकराया और वो बिल्कुल तकरीबन खत्म होने वाला था, आखिरी सांस से ले रहा था। तो साथ ये करीब हॉस्पिटल था, मैं ठा के अपनी दर्दे तो मैं भूल गया, मैं उसको लेकर गया तो वो नफसियाती हॉस्पिटल था पुल से पहले। उन्होंने कहा कि आप इसको जो है जिनाह या सिविल में लेके जाएं, आपके पास टाइम नहीं है। तो खुदा ने मुझे रेमा दिया, रोमन 8:28, खुदा ने मुझे रेमा दिया। रेमा मीन कहता हुआ कलाम, रूमियो 8:28। सारी चीजें मिल मिलाकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो मैंने खुदा से कहा इसमें क्या भलाई होगी, चंद लम्हों के बाद यह बच्चा मर जाएगा, मैं सलाखों के पीछे हूंगा। तो मैंने अपने दिल में तसल्ली दी कि शायद खुदा जेल में मुझसे काम लेना चाहता है,
और एकदम खुदा का मसा मुझे मेरे अंदर आया। मैंने उस स्पिरिट को डांटा, यू स्पिरिट ऑफ डेथ लीव दिस चाइल्ड। उसी लम्हे उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम खड़े हो जाएं, हालेलुया। जल्दी से इसी मसा में हाथ रखें। जो अपनी गायनी प्रॉब्लम है, बैक एक है, व्हाट एवर प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम, या डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका इलाज नहीं है, आप कहें, बोलें, कहे खुदा जो मेरे घर में तूफान है वो यीशु नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा। आप घर पहुंचेंगे तो आए खुदा मेरी औलाद ना फरमान है, बोलें, बोले यीशु नाम से, मैं अपनी लात को तेरे नाम से यीशु हुक्म देता हूं, वो फरमा बरदार हो जाएं। और जब आप घर पहुंचेंगे मोजा हो चुका होगा। आए खुदामंद खुदा, मैं तुझे यीशु नाम से अपने मियां की परेशानी के लिए दुआ करती हूं और बोलती हूं कि वो राय रास्त पर आ जाए। मैं अपनी बीवी के लिए बोलता हूं कि वो ताबेदार हो जाए। आप बोलें, I don't know what your mountain, मुझे इल्म नहीं है आपका पहाड़ क्या है। जो भी आपका पहाड़ है, नजर कम आता है, कमर दर्द है, ईमान से भर जाएं। मैंने तीन चाबियां बताई आप लोगों को, तीन चाबियां आपसे मैंने शेयर की हैं माउंटेन मूविंग फेथ के हवाले से। आपका पहाड़ जैसा भी है, ईमान से बोलें। आज खुदा बोलने के लिए कह रहा है। शायद आपकी जो है लिवर प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी और सी है, स्किन प्रॉब्लम है, ईमान से बोलें। जब आप बोलेंगे तो मौजा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं मेरे कानों में आ रही, मैं कहता हूं तो बोलें, दुआ करें, बोलें इसे अब इसी वक्त। गाय खुदा, आई वांट फिजिकल प्रमोशन, आई वांट